आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से HTML से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक प्रोग्राम चला के दिखाता हूं, हम यही आज बनाएंगे। इस प्रोग्राम में हम MySQL डेटाबेस से अपने HTML के थ्रू कॉलिंग करेंगे। ये एक प्रोग्राम है, डेटाबेस चेक मैंने बनाया हुआ, यही हम आज बनाएंगे। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो हमारा डेटाबेस से डेटा शो हो जाए, ये हम कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है, क्या क्या आपको चाहिए, ये मैं पहले बता देता हूं आपको, और फिर एक एक स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से HTML, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के थ्रू, एक फंक्शन के थ्रू हम किस तरीके से PHP या ASP कॉल करेंगे और डेटाबेस के थ्रू कनेक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको चाहिए, फर्स्ट चीज जो आपको चाहिए वो ये है कि आपके सिस्टम पे, क्योंकि HTML के लिए तो कुछ नहीं चाहिए होता है, आप एक टेक्स्ट बनाने का कोई भी एडिटर हो, जैसे नोटपैड हो, आप उसको रन करें ब्राउजर में तो आपका HTML चल जाता है। लेकिन क्योंकि डेटाबेस बैकग्राउंड में हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, इसके लिए थोड़ा सोफिस्टिकेशन की जरूरत होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए MySQL या जो भी डेटाबेस आप प्रेफर करें, मैं MySQL के थ्रू बताता हूं आपको। अच्छा, MySQL के लिए आप MySQL अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करिए, या दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि एक वैम्प सर्वर होता है, उसको नेट से डाउनलोड करिए। वैम्प में W जो है ये विंडोज़ के लिए है, A जो है अपाचे के लिए है, अपाचे वेब सर्वर होता है, विंडोज में अपाचे सर्वर वेब सर्वर, और M होता है MySQL के लिए, और P इसमें होता है PHP के लिए। तो अगर आप वैम सर्वर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो आपको विंडोज पे अपाचे, MySQL, PHP इसका एक बंडल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो आपको अलग से अपाचे, अलग से MySQL और अलग से PHP नहीं करना पड़ेगा, ये तीनों कंबाइन हो जाता है। इसी तरीके से वैम के अलावा जैम भी है, अगर आप चाहें तो जैम सर्वर भी है, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि वैम सर्वर पे आपको बताऊं, मैंने इसको पाया कि काफ़ी आसान हो जाता है आपकी वेब प्रोग्रामिंग इससे। तो पहली चीज़ तो है कि आपको एक वैम सर्वर चाहिए और उसके अंदर आपको प्रोग्राम लिखना है। तो मैं ये मानता हूँ कि वैम सर्वर आपने लोड कर लिया है, उसके बाद आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो वैम सर्वर जब लोड हो जाता है तो इस तरीके से ये ग्रीन, आप ये देख रहे होंगे मेरा जो कर्सर जहाँ पर है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वैम सर्वर ये का मेन्यू खुलता है। आप लोकल होस्ट पे जाएंगे तो आप ये वैम सर्वर का जो बेसिक पेज है, इंडेक्स पेज है, वो देखेंगे। अब यहाँ पर PHP माई एडमिन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये डेटाबेस आ गया। यहाँ पर आप PHP और डेटाबेस दोनों को इंटरलिंक कर सकते हैं। मैं फिर से बैक जाता हूँ, अगर आप इसमें कोई भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो आपने वेबसाइट डिज़ाइन की है या वेब पेज डिज़ाइन किया है वो यहाँ से चलेगा। तो मैं इस पर डेटाबेस चेक पे क्लिक करता हूँ और देखिए मैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन दूंगा तो ये जो डेटा अभी आएगा ये डेटाबेस से उठ के आ रहा है, ये जो डेटा आएगा ये डेटाबेस से उठ के आ रहा है। तो इसके लिए आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि डेटाबेस किस तरीके से बनाएंगे हम वैम सर्वर में MySQL के अंतर्गत। तो आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले आप PHP माई एडमिन पे जाइए, इसको वैम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है, मेरे साथ भी काफ़ी दिक्कतें आई थी। मेरा पोर्ट 80 था, 80 जो है वो बिजी था तो मुझे 443 पे ले जाना पड़ा उसको,
या फिर msvcr.dll नहीं मिली कई बार, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो नहीं इंस्टॉल है तो आपको ये फाइल नहीं मिलेगी, इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो नेट पे इसके सॉल्यूशन है। तो हम मुद्दे की बात करते हैं, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना है। तो हम यहाँ डेटाबेस लेंगे और एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ माई डेटा, ये माई डेटा करके मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है माई डेटा। अब मैं इस माई डेटा में जाऊंगा और यहां पर एक टेबल क्रिएट करूंगा। ये जो आपने अपनी डेटा देखा वो उस डेटा उस इसी टेबल से आएगा। तो मेरे पास एक अच्छा ये www डायरेक्टरी जो है वैम सर्वर की, यहीं पे आपको अपना ये कंटेनर है तो इसी पे अपना आपको जो फोल्डर है या index.html है वो इसमें रखनी पड़ेगी आपको। तो देखिए मैंने ये जो है डेटाबेस चेक नाम से बनाया हुआ है और इसके अंदर ये इंडेक्स फाइल रखी है। तो एक फोल्डर बनाइए, उसके अंदर मैं जो जो आपको बताऊंगा वो रखते रहिए, एक एक फाइल में आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाएंगे और उसको रखते रहिए। तो ये इंडेक्स फाइल है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये कुछ हमने प्रोग्राम लिखा है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसको मिनिमाइज कर देता हूं। आपको क्या करना है कि क्योंकि अभी आपने डेटाबेस बनाया है तो आप एक उस डेटाबेस में टेबल डालेंगे। तो टेबल आप लिख सकते हैं क्योंकि ये तो स्कोप के बियॉन्ड है कि मैं आपको टेबल बताऊं। आप चाहें तो ये जो कोड आप देख रहे हैं ये आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। अब बस क्रिएट टेबल करना है, क्रिएट टेबल का नाम जो भी आप देना चाहें। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, कुछ फील्ड्स आपको देनी है, टेबल कॉलम्स देने हैं, जैसे ये मैंने कुछ कॉलम दिए हुए हैं। एक प्राइमरी की डिसाइड करनी है और इंसर्ट इनटू वैल्यूज देनी है। तो बहुत छोटा सा एक मैंने टेबल बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से टेबल बना लीजिए। और फिर ये टेबल बनाने के बाद ये टेबल आप यहाँ से, मैंने एक एसक्यूएल फाइल बनाई हुई है, मैंने एक SQL फाइल बनाई है तो मैं डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर लूँगा, लेकिन आप इसमें अपना क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह क्रिएट टेबल करिए और यहाँ पर नाम डालिए, कॉलम्स डालिए, ये सब कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है तो इसको मैं इंपोर्ट कर दूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर ये property.sql इसके माई डेटा के अंतर्गत ये टेबल बना देता हूँ, तो वो कर दूंगा यहाँ पर। तो माई डेटा मेरा मैंने एक टेबल बनाया। इसी तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे, फिर एक एसक्यूएल फाइल लेंगे, उसमें लिखेंगे और यहाँ इंपोर्ट कर देंगे, या फिर आप पीएचपी माई एडमिन में ही टेबल जोड़ के उसमें दो चार डेटा भी डाल देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे कर लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक यही आपके पास भी होना चाहिए। आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए और उसके अंदर आपके पास एक टेबल होनी चाहिए। तो ये मेरे पास टेबल हो गई, एक डेटाबेस हो गया। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि किस तरीके से हम इसको कॉल करेंगे। तो एक नया फोल्डर बना देता हूं मैं यहां पे। आपको www के अंदर जहां भी आपने वैम सर्वर इंस्टॉल किया हो उसके अंदर www जो आपका डायरेक्टरी है वहां पर ये करना है। तो फॉर व्यूअर कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक index.html बनाऊंगा, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। और ये अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें एक सिंपल HTML फाइल बनी है, हेड है, कुछ भी नहीं लिखा, केवल एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। जो ये स्क्रिप्ट लिखी है तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। जावास्क्रिप्ट अगर आपको ज़्यादा ना भी आती हो तो केवल ये जो कोड दिख रहा है इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। मैं इसको स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसको प्रिंट स्क्रीन करके इसको जैसे का तैसा टाइप कर दीजिए। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, बस आपको इतना जो कोड है वो एक फंक्शन बना दीजिए, शो यूज़र या जो भी आप नाम रखना चाहें। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक
टीएक्सटी हिंट करके आप अपना नाम रखिएगा जो भी आप चाहते हैं। उसमें गेट एलिमेंट आईडी पे देखिए यहाँ पर मैं इसे शो करना चाहूँगा, जो भी मेरा एक्सएमएल एचटीटीपी रिस्पांस मिलेगा मुझे, वो जो रिस्पांस है मतलब मैं पहले या इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन से कॉल करूँगा db.php को, database.php कोई भी php फाइल अभी बनाऊँगा मैं, और उससे ये पहले HTML के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, और वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करेगा एक PHP फाइल को, उस PHP क्योंकि ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट है तो हम इसको जो भी PHP फाइल में लिखेंगे वो डेटाबेस लेके आएगा। और उसका फॉर्मेटिंग कैसे होगी जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि ये रिस्पॉन्स XML HTTP रिस्पॉन्स के तहत आएगा, और यहाँ पर जो TXT हिंट है ये आपका इंडेक्स मतलब HTML का एलिमेंट है, तो इसको एक HTML एलिमेंट में दिखा देंगे। तो आप तरीका समझ रहे होंगे, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। आप क्या करेंगे, एक HTML पेज बनाएंगे, HTML पेज, उसके अंदर आप लिखेंगे एक जावा स्क्रिप्ट कोड, और उसके अंदर आप लिखेंगे एक इसके अंदर कॉल करेंगे PHP पेज। तो ये तीन चीज़ें बनेंगी, आपका HTML पेज, उसमें एक फंक्शन लिखेंगे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे स्क्रिप्ट करके, और वो PHP को कॉल करेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होगा। तो ये कार्रवाई के लिए देखिए, ये तो आपका index.html हो गया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका HTML का पेज। इसके बाद हम जाते हैं अपने डेटाबेस पार्ट पे कि उसके लिए क्या करना होगा। तो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे PHP करके, आप फोल्डर बनाए ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। आप देखिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, या इस पूरे फोल्डर PHP फोल्डर को ही कर देता हूँ, और हम जहाँ बना रहे हैं वहाँ इसको वहाँ चले जाते हैं। फॉर व्यूअर में आपने index.html बना दिया जैसे भी अभी मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद आप PHP के अंदर जाएंगे db PHP ये फोल्डर बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ा सा एक डिफरेंस हो। और देखिए, अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको कि जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मैंने ये पाथ दिया है PHP वाला, इसको देखिए, ये देखिए यहाँ पर php://db.php, इसका मतलब पहले आप db फोल्डर के अंदर जाएंगे फिर php। अगर आप db फोल्डर नहीं php फोल्डर नहीं बनाते तो आप इसको ये वाली लाइन को हटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हटा सकते हैं। तो अब हम जाते हैं db पे, देखिए db php में ये लिखा हुआ है। तो अपने अनुसार अभी जो हमने डेटाबेस बनाया माई डेटा और उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी टेबल बनाई, उस हिसाब से इसको चेंज कर देते हैं। तो php के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मैं प्रोग्राम मैंने बना रखा था ताकि कम समय लगे इसको बनाने में। लोकल होस्ट रूट MySQL, देखिए ये PHP का पेज है, PHP का पेज जो शुरू होता है एंगल ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क से शुरू होता है, मैंने सब इस PHP में लिखा हुआ है। देखिए ये खत्म भी यहाँ पर हो जाता है लास्ट में, ये देखिए क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट से। आपको क्या करना है, वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, जैसे जब भी यूज़र कुछ क्लिक करेगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो मैंने इस क्यू में ली हुई है, और फिर उसके बाद डेटाबेस MySQL.connect किया हुआ है लोकल होस्ट रूट से, पासवर्ड कोई भी नहीं है, और यहाँ जो डेटा है डेटाबेस है वो मैंने बनाया हुआ माई डेटा, ये मैंने माई डेटा बनाया हुआ और प्रॉपर्टी करके मेरा ये टेबल है। तो मैं इस टेबल को ओपन करूँगा और इस डेटाबेस को ओपन करूँगा, और इस टेबल से जो भी मेरी इनपुट आ रही है क्यू में जो इनपुट आ रहा है उस हिसाब से डेटा शो करूँगा। डेटा शो करने के लिए ये मैंने कुछ HTML का कोड लिखा हुआ है, ये केवल इसको फॉर्मेटिंग कर रहा है, कलर दे रहा है, टेबल बनाया हुआ है और कलर दे रहा है कितना कॉल स्पैन होगा रो स्पैन होगा। तो इसमें ज़्यादा इंटीरियर में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये जो है देखिए केवल इतना जो कोड है
ये जो कोड है केवल ये हर रो का, जैसे ओ अंडरस्कोर नेम, ये एक फील्ड, एक रो है, एक फील्ड है, ये इसको कॉल करता है। इसी तरीके से नीचे देखिए, फादर नेम अगर लेना हो तो इसे कॉल करता है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और थोड़ी देर के लिए रखता हूँ ताकि आप लोग इसकी तरह बना सकें। ये पहले आपको ये PHP में ये लिखना है और फिर ये, तो इससे चार पांच चीज़ें आपकी डेटाबेस से उठ के आ जाएगी। टेबल होगा आपका माय डेटा के अंतर्गत प्रॉपर्टी टेबल। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको आप बस जैसे दिख रहा है वैसे टाइप कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। चाहे तो इसको मैं शेयर भी कर दूंगा। इसके बाद अब हमारा क्या हो गया है कि हमने एक इंडेक्स बनाया और एक PHP फाइल बनाई, उसके अंदर ये DB बनाया, एक PHP बना दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा, ये मेरा पिछला था जिससे मैंने ये कॉपी पेस्ट किए हुए, तो आपको एक नया बनाना है, नए के अंदर एक इंडेक्स पेज बनाना है जो कि HTML पेज होगा, उसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है और उससे एक PHP फाइल कॉल कर लेनी है जो भी आप बात देंगे। और फिर हम जाएंगे अपने लोकल होस्ट पे और फिर ये फॉर योर चेक करेंगे और यहां पर जैसी पर्सन का नाम देंगे तो ये डेटाबेस से ये वैल्यू लेके आ रहा है। अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं, देखिए राम सोलंकी 100 लाडपुरा, और यहां देखिए राम सोलंकी लाडपुरा ही। तो ये तरीका है। इसमें क्या हो रहा है इसकी डिटेल जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक तकनीक बता रहा हूं किस तरीके से HTML के थ्रू हम डेटाबेस कॉल कर सकते हैं। आप PHP एडमिन, माय एडमिन और वैम सर्वर इंस्टॉल करें। वैम सर्वर के अंदर आप अपने डेटाबेस में MySQL में आराम से डेटाबेस बनाइए और बहुत आसान रहता है इसको बनाना। और फिर आप एक सिंपल HTML पेज लिखिए, एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखिए, जैसे मैंने XML वाला जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट वाला लिखा था वहाँ से वो गया और उसने एक डेटा db.php कॉल की। db.php में क्या था ये देखिए, db.php में हमने डेटाबेस खोला और जो ये जो डेटाबेस है जो अभी हमने PHP माय एडमिन बनाया और डेटाबेस खोला और ये वाला है, डेटाबेस खोल के इसने अपना कुछ फॉर्मेटिंग की क्योंकि डेटा किस तरीके से आए और फिर वो अपने index.html में शो कर दिया। तो ये तरीका हुआ आपका कॉलिंग का। और ये थोड़ा सा और देख लीजिए आप कि ये नीचे जो है, जो ये txt hint है, ये एक डिवीजन div का मैंने नाम रखा हुआ, एक फॉर्म बना दिया यहाँ पर और उस फॉर्म के थ्रू हम ये कर रहे हैं। ये तरीका है, आप किसी और में भी दे सकते हैं, ये तो जस्ट एक, क्योंकि index.html में HTML पेज कुछ ना कुछ शो करना चाह रहा था मैं, तो मैंने कहा कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं और उस पर क्लिक करेगा यूज़र और वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका कोड हुआ, इसको भी देख लीजिए, चाहे तो आप कॉपी कर लीजिए इसको। तो ये तरीका हो गया कॉलिंग का HTML से डेटाबेस का। धन्यवाद आप लोग का, शुक्रिया।